आज का सेशन में हम लोग बात करेंगे बिजनेस मार्केटिंग को लेकर के। तो मार्केटिंग क्या होती है इसको जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये मार्केटिंग शब्द जो है, ये मार्केटिंग शब्द कैसे उत्पन्न हुआ, जो हम लोग मार्केटिंग करते हैं वो आखिर होता क्या है। तो मार्केटिंग शब्द की उत्पत्ति मार्केट से होती है, मार्केटिंग शब्द की उत्पत्ति मार्केट से होती है। इसका मतलब क्या है? बाजार। मार्केट का मतलब क्या होता है? बाजार। बाजार में हम क्या करते हैं? बाजार में हम लेन देन करते हैं, हम सामान की खरीद बिक्री करते हैं। किसी भी बाजार में यही तो होता है कि हम खरीद और बिक्री करते हैं मार्केट में, यानी हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केट में किए गए कार्य को, जो एक्टिविटी होती है, उसको हम लोग मार्केटिंग कहते हैं। इसको हम लोग दूसरी भाषा में बिजनेस भी बोलते हैं। बिजनेस में क्या होता है? लेन देन होता है। तो उसी तरीके से मार्केट में जो क्रिया होती है, वर्ब होता है क्रिया, तो मार्केटिंग उसे बोलते हैं, यानी लेन देन करने की प्रक्रिया। अब लेन देन किस चीज़ का हम आप करते हैं? तो आप जानते हैं कि हम लोग जो लेन देन करते हैं वो प्रोडक्ट्स के होते हैं या सर्विसेज के होते हैं। किसके होते हैं? या तो प्रोडक्ट्स होंगे और या तो सर्विसेज होंगी। या तो कोई मार्केट में जाकर के ट्यूशन पढ़ेगा, या तो अपना मान लो किसी का सिलाई मशीन ख़राब हो गया तो सिलाई मशीन सही कराएगा, अगर कोई का पंखा ख़राब हो गया होगा तो पंखा सही कराएगा। तो उसमें क्या हुआ? वो सर्विस हुआ, सेवा हुआ। या कोई बच्चा स्कूल जाके पढ़ेगा तो वो क्या है? ट्यूशन करेगा, वो क्या है? सेवा है। तो सेवा या तो होगा और या तो प्रोडक्ट्स का लेन देन होगा। इस प्रक्रिया में हम पैसे का लेन देन करते हैं, यानी पैसे के बदले या तो प्रोडक्ट खरीद करते हैं या तो पैसे के बदले हम सेवा देते हैं। तो क्या हुआ कि जो मार्केटिंग में जो बिजनेस होता है मार्केट में, उस बिजनेस का जो बेस है वो क्या है? किसी भी व्यवसाय का जो बेस होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, अगर वो प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर, यानी अगर हम कोई भी चीज़ उपयोग करते हैं, कोई भी चीज़ हम उपभोग करते हैं, कोई भी चीज़ अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बनाने वाला कोई ना कोई होगा, जिसे हम मैन्युफैक्चरर के नाम से जानते हैं और या तो हम प्रोड्यूसर के नाम से जानते हैं। जैसे एक किसान है, एक किसान क्या करता है? तो आप कहेंगे वो सब्जी उगाता है, वो फल उगाता है, वो अनाज उगाता है। तो ये जो उगाता है वो प्रोड्यूस करता है, वो मैन्युफैक्चरर मतलब जो बनाता है और जो उगाता है, यानी या तो मैन्युफैक्चरर होगा या प्रोड्यूसर होगा। हम लोग क्या हैं? हम लोग क्या हैं? उपभोक्ता। हम लोग क्या हैं? उपभोक्ता। तो कोई भी उपभोक्ता अगर सामान इस्तेमाल करता है तो उसको कहीं ना कहीं बना होगा। तो इसलिए बिजनेस का जो बेस है, किसी भी व्यापार का जो महत्वपूर्ण पार्ट है, वो होता है मैन्युफैक्चरर का, जो माल बनाने वाला होता है। दूसरा होता है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और तीसरा होता है कस्टमर। इस दोनों में आप देखेंगे, ये तीनों में, बिजनेस में ये तीनों लोगों की भागीदारी होती है। अगर मैन्युफैक्चरर माल बनाने वाला ना हो तो कोई भी कस्टमर प्रोडक्ट कैसे यूज करेगा? और अगर मान लो कोई कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने वाला ना हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग करके आप क्या करोगे? अगर मान लीजिए आपने कोई अपनी एक फैक्ट्री बनाई, उस फैक्ट्री में कोई चीज़ उगाया बनाया, या तो आपने कोई चीज़ उगाई और उसे उसका कोई कस्टमर ही ना मिले, तो जब कस्टमर ही नहीं होगा तो बताइए वो मैन्युफैक्चरर तो क्लोज हो जाएगा, उसका तो नुकसान हो जाएगा और वो समाप्त हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि किसी भी बिजनेस में दो लोग बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, एक मैन्युफैक्चरर जिसमें स्टार बनाया हुआ है मैंने तीन, और एक कस्टमर जिसमें 5 स्टार बनाया है, मतलब बिना कस्टमर के तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन एक बात समझने वाली है कि कस्टमर मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट नहीं खरीदता, बनाया तो जरूर मैन्युफैक्चरर ने लेकिन कस्टमर खरीद नहीं सकता। क्यों? क्योंकि कस्टमर तो एक जगह है और मैन्युफैक्चरर बहुत दूर कहीं एक जगह है। वो एक मैन्युफैक्चरर पूरे बहुत सारे बड़े एरिया में अपने प्रोडक्ट का सप्लाई करता है, जिससे कस्टमर, अनेक कस्टमर उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हर कस्टमर मैन्युफैक्चरर तक नहीं पहुंच सकता और मैन्युफैक्चरर हर कस्टमरों को सर्विस भी नहीं दे सकता। इसलिए सर्विस करने के लिए, प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, उसको एक नाम दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण। क्या बोलते हैं उसे हिंदी में? वितरण। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना, उसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को हम लोग वितरण प्रणाली बोलते हैं।
और इस वितरण प्रणाली में कई लोग होते हैं जिनके थ्रू कोई भी प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचता है। जैसे कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होगा तो उसमें C&F होगा। क्या होगा? C&F मतलब कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग। कोई भी फैक्ट्री में माल बनेगा तो वो स्टॉक कहाँ रखेगा? तो उसलिए वो क्या करता है, हर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में एक बड़ा बड़ा C&F बनाया जाता है, जहाँ पे गोडाउन, बहुत बड़ा सा गोडाउन जिसमें सारा स्टॉक बना बना करके रखा जाता है। और वो C&F क्या करता है, वो स्टॉकिस्ट बनाता है हर जिले में। एक राज्य में एक C&F हुआ और वो C&F हर जिले में स्टॉकिस्ट बनाया। वो स्टॉकिस्ट यानी सुपर स्टॉकिस्ट, वो स्टॉकिस्ट क्या करता है कि बड़े बड़े शहरों में डिस्ट्रीब्यूटर बनाता है। क्या बनाता है? डिस्ट्रीब्यूटर। वो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर तक प्रोडक्ट पहुंचाता है और होलसेलर गांव के गांव तक, रिटेलर्स के माध्यम से गांव तक पहुंचता है, और फिर गांव का एक कस्टमर रिटेलर के यहां से प्रोडक्ट खरीदता है। यानी पूरे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में C&F, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर होते हैं, और ये सभी लोग के माध्यम से कस्टमर को प्रोडक्ट मिलता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं बिजनेस के मॉड्यूल के बारे में, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है? ध्यान देने वाली बात यह है कि जो मैन्युफैक्चरर होता है और जो कस्टमर होता है, इन दोनों के जो रेट्स होते हैं, जो वैल्यूज होती है, उनमें चेंजेज है। जैसे अगर कोई कस्टमर 100 रुपये का सामान खरीद करता है, मान लीजिए आपके पास में कोई भी एक वस्तु है, मान लीजिए ये कलम आपके पास है और ये कलम 20 रुपये की है, तो क्या लगता है आपको, क्या ये फैक्ट्री में 20 रुपये में बनी होगी? तो एवरीवन नोज, सभी लोग जानते हैं कि ये फैक्ट्री में 20 रुपये में नहीं बनी होगी, बहुत होगा तो 7-8 रुपये में बनी होगी। तो जो 7-8 रुपये में टैक्सेशन के साथ सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर देखा जाए, तो 7-8 रुपये का ये जो प्रोडक्ट्स है, ये हमको तो 20 रुपये में मिला, तो ये जो 12 रुपये हैं ये कहाँ गए? ये 60-70% 12 से 14 रुपये है, वो कहाँ है? तो आप कहेंगे ये तो बीच के लोग जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में है वो लोग कमा लिए, वो C&F है, स्टॉकिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर है, रिटेलर है, प्रचारक लोग हैं, एडवर्टीजमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे लोग मिल करके ये बड़ा सा जो 60-70% का पैसा है इन लोगों के बीच में जाता है। अब आप सोचो, जरूरी दो लोगों की है, एक मैन्युफैक्चरर बनाने वाला और एक कस्टमर यूज करने वाला, ये दोनों के बीच में कितना बड़ा अंतर आ रहा है, 60-70% का, 60-70% का जो पैसे का डिफरेंस है वो किस बीच में चला गया, डिस्ट्रीब्यूशन में। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ है भाई, ध्यान दीजिए, यहाँ दो चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा। पहला, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बड़ा पैसा है, 30% का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और 100% का कस्टमर, जो बीच का जो 70% है वो बड़ा सा बड़ा पैसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाता है। यही कारण है कि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में लोग बड़ा से बड़ा व्यापारी बोले जाते हैं। जो भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हैं उन्हीं को हम लोग बिजनेसमैन बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग व्यापारी बोलते हैं, और वे लोग पैसे कमाते हैं। और ध्यान देने वाली बात है, ये जितने भी पैसे वाले लोग हैं या जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में हैं, वो सभी लोग पैसे वाले हैं। होलसेलर पैसा वाला है, स्टॉकिस्ट पैसा वाला है, डिस्ट्रीब्यूटर पैसा वाला है, C&F पैसा वाला है, प्रचारक भी पैसे वाले हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, शाहरुख खान, ये लोग भी पैसे वाले हैं, और ट्रांसपोर्ट वाले भी पैसे वाले हैं। यानी जो सारा पैसा है वो एक कस्टमर के जेब से हमेशा और हमेशा कहाँ जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में, उन लोगों के पास में जहाँ पर हमारा कोई रोल नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग मेहनत करके बनाया, कस्टमर मेहनत करके यूज किया, लेकिन जो बड़ा से बड़ा पैसा है वो ऐसे जगह चला गया जिसे हम नहीं जानते, जिसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस हमारे लिए नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वालों को हम नहीं जानते। अगर आप मान लीजिए कोई भी साबुन भी खरीदते हैं, तो क्या पता है उसका डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, उसका होलसेलर कौन है, उसका C&F कौन है, आपको कुछ भी नहीं पता। लेकिन आपने यूज किया तो उसका जो हिस्सा है आपने उन सभी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के लोगों को दे दिया है। सोचने वाली बात है माय डियर फ्रेंड्स, कि इतना बड़ा पैसा यहाँ जा रहा है और इसी को लोग व्यापार बोलते हैं। तो आइए थोड़ा समझते हैं कि ये व्यापार का जो तरीका है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है,
ये तरीका कैसे विकसित होता रहा और आज कौन सा तरीका है जिसे हम लोगों को अपनाना चाहिए। मैन्युफैक्चरर हम हो नहीं सकते क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी पूंजी नहीं है, इतना बड़ा सेटअप नहीं है कि हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालें। हम कस्टमर पहले से हैं, अनंत काल तक रहेंगे, यानी पैसा हमारे जेब से हमेशा जाता रहेगा, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। मतलब 30 रुपए का माल 100 रुपया में हम यूज करते रहेंगे, अनंत काल तक यूज करेंगे क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में बहुत सारे लोग पैसे कमाते रहेंगे, इसमें भी हम कुछ कर नहीं सकते। अगर आप भी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में जाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या है जरा समझते हैं। आइए देखते हैं कि ये जो मार्केटिंग है, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस कितने तरह का होता है और कैसे हम बिजनेस करें। तो जो आइए थोड़ा समझते हैं कि आखिर बिजनेस का इतिहास क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो है उसका इतिहास क्या है, इसके मार्केटिंग सिस्टम का इतिहास को जानते हैं। तो आप जानते हैं एक तरीका है जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशन माने होता है परंपरा, परंपरा मतलब बहुत सालों से चला आया पद्धति। परंपरा किसे कहते हैं, जो बहुत सालों से चला आ रहा है उसी को हम बोलते हैं परंपरागत मार्केटिंग। परंपरागत व्यापार के अंतर्गत क्या होता है, उसके क्या लाभ हैं, क्या हानि है, कस्टमर को क्या फायदा है, मैन्युफैक्चरर को क्या फायदा है, उन सारे टॉपिक्स पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। आइए समझते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में की जो शुरुआत हुई वो कैसे हुई और आज ट्रेडिशनल मार्केटिंग किस ओर जा रहा है। तो जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, शुरू शुरू में बहुत सालों पहले आप लोग जानते हैं हाकर्स हुआ करते हैं। हाकर्स मतलब फेरी वाला, आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं फेरी वाला आज भी हैं, लेकिन वो उसकी मात्रा बड़ी छोटी है, वो लोग बड़े छोटे लेवल के हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो थोड़ा सा स्टॉक रखते हैं, 10,000 का, 20,000 का, 25,000 का स्टॉक रखते हैं। वो मात्र 20-25 हज़ार के स्टॉक को अपने साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर, घोड़ा घोड़ा गाड़ी पर या किसी माध्यम के माध्यम से वो गांव गांव में जा करके अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। यही तो करते हैं हाकर्स ना, यही तो करते हैं फेरी वाले, पहले भी थे आज भी हैं। लेकिन फेरी वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है और कस्टमर के साथ क्या प्रॉब्लम है। पहला चीज, जो फेरी वाला आज आया है ये जरूरी नहीं है कि वो बार बार आएगा। अगर वो खराब प्रोडक्ट दे देगा तो हम क्या करेंगे, एक डर ये बना होता है। दूसरा, मान लो वो विश्वसनीय है, वो परिचित है, तो आपने विश्वास तो कर लिया। हम कस्टमर की बात कर रहे हैं अभी, कस्टमर की क्या प्रॉब्लम है। दूसरा, मान लो जी किसी किसी दिन हॉकर आया, फेरी वाला आया, उसने आपको प्रोडक्ट देने के लिए कहा, आपके पास उस दिन पैसे नहीं थे, अब क्या होगा, उस दिन वो आप चाह कर भी प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएंगे। तीसरा सिचुएशन क्या होती है, अगर मान लीजिए फेरी वाला आया और आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसका प्रोडक्ट पहले ही बिक गया, क्योंकि वो एक लिमिट में स्टॉक लेके जाता है ना, और जब लिमिट में स्टॉक लेके जाएगा तो आप ही बताओ कि ये ज़रूरी तो है नहीं कि हमारी चीज़ हमारे पास आएगी, वो पहले बिक भी सकती है, तो हम चाह करके भी वो नहीं खरीद पाए और वो विक्रेता चाह करके भी हमको बेच नहीं पाया। सही बात है, तो दोनों का घाटा हुआ। अब दुकानदार को क्या घाटा है, दुकानदार को पहला घाटा है यही वाला चीज़ कि वो चाह करके भी नहीं बेच पाया क्योंकि कस्टमर के समय में उसके पास स्टॉक नहीं था, कस्टमर को जो चाहिए। दूसरा, वो चाह के भी नहीं बेच पाया क्योंकि कस्टमर के पास पैसा नहीं था, और वो चाह करके भी बेच नहीं पाया ज़्यादा क्योंकि हर घर ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सारे गांव गांव घूमता है तो बहुत सारा एफर्ट, बहुत सारा मेहनत करने के बाद एक लिमिट में स्टॉक बेच करके पैसे कमाता है। यानी हाकर की इनकम एक लिमिट में बहुत छोटी होती है क्योंकि छोटा स्टॉक, छोटा इन्वेस्टमेंट और छोटा एफर्ट, ये रीज़न रहा। दूसरा तरीका हुआ, हाकर को जब ये परेशानी आई तो उसने एक तरीका अपनाया। उसने तरीका क्या अपनाया, वीकली मार्केट का। वीकली मार्केट क्या होता है, आप जानते हैं कि जब हाकर ने सोचा हम पांच गांव जो घूमते हैं उससे अच्छा है एक ही गांव हम घूमें, एक गांव जहां चट्टी होती है, चौराहा होता है, जहां पे पांच गांव के लोग आते हैं, तो हम लोग बाजार बनाएं। बाजार में क्या होता है, जैसे बुध बाजार, शुक्र बाजार, शनि बाजार, रवि बाजार, ऐसे होता है ना, साप्ताहिक बाजार, तो साप्ताहिक बाजार लगेगा तो पाँच गाँव के लोग इकट्ठा आ जाएंगे तो उसकी बिक्री ज़्यादा हो जाएगी। तो सेलिंग ज़्यादा करने के लिए उसने वीकली बाज़ार, मार्केट, साप्ताहिक बाज़ार लगने लगा। यहाँ एक फ़ायदा हुआ, सेलर विक्रेता का जो मार्केटिंग करने वाला व्यक्ति था, जो व्यापारी था, उसका सेल ज़्यादा हो गई,
तो सेल तो ज़्यादा हो गई क्योंकि 5 गांव के लोग आने लगे, दूसरा कस्टमर को भी फायदा हुआ कि उसका दिमाग सेट है कि बुधवार को बाजार लगता है तो उसको जो भी सामान लेना होगा बुधवार को आएगा, तो कस्टमर का भी फायदा हो गया, टाइम पता चल गया कि कब आता है दुकानदार, और दुकानदार को भी पता चल गया कि मेरे पास 5 गांव के लोग आएंगे, तो अब क्या हुआ यहाँ इन्वेस्टमेंट बढ़ा। ध्यान देने वाली बात है कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में व्यापारी का इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि हाकर जो 20,000 का धंधा करता था जितना बेचता था अगले दिन फिर सामान खरीद करके वो फिर जा करके बेचता था, तो छोटी पूंजी से वो शुरुआत कर लिया, लेकिन वीकली मार्केट में 5 गांव के लोग आएंगे, ज़्यादा कस्टमर्स आएंगे, तो कस्टमर के मुताबिक ढेर सारा स्टॉक आपको रखना पड़ेगा, और ढेर सारा स्टॉक रखने के कारण से आपको क्या करना पड़ेगा, पूंजी बढ़ानी पड़ेगी, और वो एक गाड़ी माल लेके जाता है, तो आज यहाँ पे माल बिक्री किया, कल बुधवार को यहाँ, सोमवार को वहाँ, मंगलवार को यहाँ, शनिवार को वहाँ, शुक्रवार को वहाँ, रविवार को वहाँ, ऐसे वो मार्केट लगाता है, उसकी बिक्री ज़्यादा हो गई, प्रॉफिट ज़्यादा हुआ। जिस मार्केट में ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होने लगी, जहाँ ज़्यादा सेल होने लगा, जहाँ कस्टमर्स ज़्यादा आने लगे, तो कुछ लोग सोचने लगे कि हम क्यों ना यहाँ परमानेंट बाजार खोल दें, परमानेंट दुकान खोल दें, तो कुछ लोगों ने परमानेंट मार्केट डाला। परमानेंट मार्केट मतलब दुकान खोल दिया। अब जब दुकान खुली तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट अलग होती है, जैसे आपको साबुन ही लेना है तो कोई लोग लाइफबॉय लगाते हैं, कोई लोग लक्स लगाते हैं, कोई विवेल लगाता है, कोई डब लगाता है, कोई डिटॉल लगाता है, कोई पियर्स लगाता है, यानी कोई संतूर लगाता है, देयर आर सो मेनी ब्रांड, सो मेनी वेराइटीज़, तो बहुत सारी वेराइटीज और ब्रांड होने के कारण से कस्टमर कोई वापस ना जाए ये सोच करके व्यापारी क्या करता है कि रेंज बढ़ाता जाता है, तो उसका इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला गया, बिक्री तो बढ़ी और उससे कस्टमर को भी फायदा हुआ कि उसको अब बुधवार या किसी एक दिन का इंतजार नहीं करना है, जब भी जरूरत है वो जाकर सामान ले जाता है, तो परमानेंट बाजार होने से मार्केट बढ़ा हुआ, लोगों के व्यापारियों के प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। लेकिन अब यहाँ एक समस्या और आने लगी। समस्या क्या आनी शुरू हुई कि पहले तो सामूहिक परिवार होता था, कोई लोग बाजार गए, सामान दिन भर खरीदे, कपड़ा खरीदना है, जूता खरीदना है, किताब खरीदना है, चूड़ी खरीदना है, देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स विच मतलब जिसे हम लोग यूज करते हैं ना, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसे हम लोग यूज करते हैं, तो एक व्यक्ति बाजार जाता था सुबह और शाम को घर लौटता था सामान खरीद करके। लेकिन जब से जब धीरे धीरे एकल परिवार होने लगा, यानी हर परिवार में बंटवारा होते होते हर व्यक्ति कोई नौकरी करने चला गया बाहर, तो क्या हो गया, उसका परिवार सीमित हो गया, उसके अब उसी को सारे काम करने हैं, उसी को सब्जी भी लाना है, उसी को बाजार का काम करना है, उसी को नौकरी करना है, उसी को सो मेनी टाइप्स ऑफ वर्क, जो बहुत सारे काम हैं उन सारे कामों को वो करने लगा, तो उसके पास टाइम नहीं है, तो वो क्या सोचेगा कि ऐसे तो दिन भर लग जाता है मुझे बाजार में, तो डिपार्टमेंटल मार्केट आए। ये बात को समझ करके दुकानदारों ने एक नया तरीका ढूंढा, डिपार्टमेंटल मार्केट। डिपार्टमेंटल मार्केट क्या होता है, जिसे बिग बाज़ार आप जानते होंगे, बिग बाज़ार जानते होंगे, रिलायंस फ्रेश जानते होंगे, या फिर आप बहुत सारे ऐसे मार्केट हैं, वी मार्ट हो गया, डी मार्ट हो गया, पता नहीं कितने मार्ट हो गए, डी मार्ट दमानी का है, तो बहुत सारे ऐसे मार्ट आ गए जहाँ एक ही छत के नीचे आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। परचून का सामान चाहिए मिल जाएगा, कपड़ा चाहिए मिल जाएगा, जूता चाहिए मिल जाएगा, कापी किताब चाहिए मिल जाएगा, बच्चों का खिलौना चाहिए मिल जाएगा, कॉस्मेटिक सामान चाहिए मिल जाएगा, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं आप एक ही मार्केट में घुस करके सारी चीज़ें आप खरीद सकते हैं, बर्तन से लेकर के सारी चीज़ें। तो यहाँ कस्टमर का टाइम बच गया और वो एक ही जगह वेराइटीज़ बहुत सारा पा करके वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले सकता है। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, डिपार्टमेंटल बाज़ार से कस्टमर का टाइम बचा और डिपार्टमेंटल बाज़ार वालों का बिजनेस बड़ा हो गया, लेकिन वहाँ इन्वेस्टमेंट बड़ा हुआ। अब इससे प्रॉब्लम्स क्या बन रही, ट्रेडिशनल मार्केट में जैसे जैसे ये विकास की क्रम आगे आया, उसी तरीके से पुराने लोगों का नुकसान हुआ। जैसे बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, वो सिद्धांत यहाँ पे लागू हुआ और ये ऐसा होने लगा कि लोगों का नुकसान होने लगा। कैसे हुआ, डिपार्टमेंटल मार्केट वाले जब आए तो उनके आस पड़ोस में जो भी छोटी दुकानें थी वो लोग टूटने लगे। क्यों, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले आए, डिस्काउंट दे दिए। क्यों दे दिए, क्योंकि जल्दी से दुकान बगल वाली टूट जाएगी तो उसके कस्टमर मेरे पास आ जाएंगे, ये सोच करके लोग 5% 10% छूट दिए। अब जो छोटा दुकानदार महीने भर में 2 लाख का धंधा करता था, 3 लाख का धंधा करता था और 20-25,000-30,000 कमाता था, अब वो पूरे मार्जिन से कमाता था 15% 10% के मार्जिन पे। अब डिपार्टमेंटल वाला 5-10% छूट कर दिया, अगर वो छूट करेगा तो उसका घाटा होगा,
घाटा होगा तो क्या होगा, बिजली का बिल देना है, दुकान का किस्त देना है, किराया देना है, उसको पर्सनल खर्चे हैं, बच्चों का फीस देना है, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाता। जब कुछ महीनों तक सर्वाइव नहीं कर पाता तो दुकान बंद कर देता है और फिर जो भी करता है आप सबको पता है। तो ऐसे कंडीशन में डिपार्टमेंटल बाज़ार और आगे बढ़ते हैं और पुराने मार्केट धीरे धीरे कोलेप्स हो जाते हैं। आज आप देखिए साप्ताहिक बाज़ार बंद होने लगे, कहीं कहीं हैं हॉकर्स बहुत कम रह गए, परमानेंट बाज़ार भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, डिपार्टमेंटल बाज़ार खुल रहे हैं। तो इस क्रम में आप देखें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, अब अगर आप चाहते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग करना तो लगता है कि सामान्य व्यक्ति के बस के बाहर है। सामान्य व्यक्ति के बस के बाहर क्यों है, क्योंकि उसके पास कैपिटल नहीं है, पूंजी नहीं है। तो आज के दौर में अगर आपको व्यापार करने का विचार आता है तो आपको तुरंत समझ में आता है पूंजी चाहिए, कैपिटल चाहिए, पैसा चाहिए, और आपके पास पैसा न होने के कारण से आप सोच ही नहीं पाते हैं। इसीलिए हम आप नौकरी 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 के पीछे भागते हैं, हम व्यापार के पीछे नहीं जाते, क्योंकि पता है कि मेरे पास पूंजी नहीं है। तो ये रहा पहला तरीका मार्केटिंग का, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति के बस के बाहर है, एक सामान्य व्यक्ति ये मार्केटिंग अब नहीं कर सकता। दूसरा मार्केटिंग सिस्टम आया जिसे हम लोग ई कॉमर्स मार्केटिंग कहते हैं। ई कॉमर्स मार्केटिंग का काम क्या है ये समझते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे, फ्लिपकार्ट है, अमेज़ॉन है, स्नैपडील है, जियो मार्ट है, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम आ चुके हैं जहाँ पे लोग अब डाइवर्ट हो रहे हैं। कस्टमर धीरे धीरे उन मार्केट से उठ करके दूसरे मार्केट के ऊपर ई कॉमर्स मार्केटिंग पे आ रहा है। क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि मैंने बताया ना कस्टमर की प्रॉब्लम क्या है, टाइम टाइम टाइम, पैसा कमाने के लिए उसको टाइम देना पड़ता है और अकेला होने के कारण उसके पास टाइम नहीं है, तो टाइम की प्रॉब्लम हो गई। दूसरा, लगातार इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, इनकम कम हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी नहीं हो रही है जिस कारण से वो व्यक्ति बड़ा खर्च कर सके, तो वो डिस्काउंट की ओर जाता है। अब आप देखें फ्लिपकार्ट वालों ने, अमेज़न, स्नैपडील, ये लोग क्या किए, इन लोगों ने दो ऑप्शन दिया। पहला चीज़, आप रात को 11 बजे भी खगर खाली होते हैं तो बटन दबा करके आप ऑर्डर कर सकते हो। दूसरा चीज़ ये, आपको वेराइटीज़ वहाँ दिख जाएगी। मान लो आपको मोबाइल फ़ोन लेना है तो अगर किसी दुकानदार के पास आप जाएंगे तो क्या होगा, तो वो एक दुकानदार की लिमिट है, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख का स्टॉक रखा है, तो सारे वेराइटीज़ तो नहीं रख पाएगा ना। आप ही सोचिए ज़रा, वो सारे वेराइटीज़ कैसे रखेगा, वो सारे वेराइटीज़ कैसे रखेगा, वो वीवो है, ओप्पो है, MI है, रेडमी है, सैमसंग है, मतलब इतने वेराइटीज़ हैं, इतने ब्रांड्स हैं कि सारे ब्रांड नहीं रखेगा, और आपकी पसंद सबकी अलग अलग है। ऐसे कंडीशन में ऑनलाइन वालों ने क्या किया, सारी वेराइटीज़ आपके पास है, जो जो पसंद आता है बटन दबाओ ले लो। दूसरा चीज़, डिस्काउंट इतना दे दिया कि आप धीरे धीरे डाइवर्ट हो गए वहाँ पे। तो कस्टमर को क्या फ़ायदा हुआ, कस्टमर को फ़ायदा हुआ टाइम का बचा और डिस्काउंट मिला। तो कस्टमर क्या हो गया कि पीछे ट्रेडिशनल मार्केटिंग से डाइवर्ट होकर के ई कॉमर्स मार्केटिंग पर पहुंच गया। क्लियर हो गई बात। अब नया एक मार्केटिंग सिस्टम और हुआ जिसे हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग का मतलब, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धि, दिमाग से मार्केटिंग। दिमाग से कैसे मार्केटिंग होता है, आइए समझते हैं। दिमाग से मार्केटिंग कौन करता है, MR, नाम सुना होगा आप लोगों, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, आप देखेंगे ये मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बड़े पढ़े लिखे होते हैं कि नहीं भाई। आप देखेंगे कि ये बैग पीछे लाद लेंगे और हम लोगों की तरह एक टाई लगा लेंगे, शर्ट पैंट पहन लेंगे, अच्छा सा जूता मोजा, मतलब वेल मेंटेन रहेंगे, और वेल मेंटेन होकर के ये माल बेचते हैं। ये भी तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, ये भी मार्केटिंग करते हैं, सेल्स करते हैं, लेकिन ये सेल्स करने का तरीका इनका अलग टाइप का है। इनका सेल्स करने का तरीका कैसा है, आइए समझते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेडिकल स्टोर, जो मेडिकल्स मेडिसिन्स होती हैं, जो दवाइयाँ होती हैं, वो कहाँ बिकती हैं, तो आप कहेंगे वो तो मेडिकल स्टोर पे बिकती हैं दवाइयाँ। बिल्कुल जेन्युइन बात है, मेडिकल स्टोर पे बिकती हैं, लेकिन एक बात ध्यान से देखिए, MR कहाँ जाता है, वो मेडिकल स्टोर पे जाता है कि डॉक्टर्स के पास जाता है, तो आप कहेंगे कि तो वो तो MR जितने होते हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स के चैम्बर के बाहर लिखा होता है MR से मिलने का समय 2 बजे से 3 बजे, 12 बजे से 1 बजे, 4 बजे से 5 बजे, 1 बजे से 2 बजे, ऐसा कुछ टाइमिंग लिखा होता है ना, कि जितने MR हैं भाई जब मर्जी तब मत आना, जितने MR हैं इतने से इतने बजे के बीच में आना, डॉक्टर सुनेगा।
अरे डॉक्टर क्या सुनेगा, अरे डॉक्टर को वो सुनाते हैं, क्या सुनाते हैं, अपनी पूरी जानकारी, नॉलेज। कहते हैं देखो भाई मेरे पास इम्यून सीरप है, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, इसमें गिलोय है, तुलसी है, भृंगराज है, ब्राह्मी है। भृंगराज की खास बात क्या है कि जब ये गिलोय के साथ मिल जाता है तो ये बहुत बड़ा अच्छा काम करता है, मेरे ब्रेन से लेकर के बॉडी के जितने भी शरीर में जो भी दिक्कतें होती है उसमें काम करता है। आपने बहुत सारा बताया, अब वो डॉक्टर को बात समझ में आ गई, तो क्या करेगा डॉक्टर, और आपने थोड़ा सा डॉक्टर साहब को प्रमोट कर दिया। डॉक्टर साहब को प्रमोट क्या कर दिया कि डॉक्टर साहब ये है प्रोडक्ट, ये अपना देख लीजिए, चला दिएगा इसे। अब क्या होगा, अब दूसरा मार्केटिंग का, अब वो डॉक्टर को बात समझ में आ गई, डॉक्टर ने दवाई दे दिया किसी को, प्रोडक्ट दे दिया किसी को, रिजल्ट आ गया। और जब रिजल्ट आ गया तो क्या होगा, वो लिखना शुरू करेगा, और वो दवा बिकती कहाँ है, मेडिकल स्टोर पे। तो जब वो लिखना शुरू करेगा मेडिकल स्टोर वाले फिर रखना शुरू करेंगे, तो दवा बिकता जरूर मेडिकल स्टोर पे है, लेकिन बेचने वाला जो होता है वो डॉक्टर होता है। तो इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग वो है कि जो बेस है, जहां से प्रोडक्शन खपत होता है, जहां से कंज्यूमर बनते हैं, उसी को वो समझा देते हैं, उसी को समझा देते हैं। यानी वो एक व्यक्ति को समझा दिए, वहीं से वो स्टार्ट हो गया बिक्री करना, समझ गए ना। तो ज्यादा बिक्री कहां से हो रही है, वो कस्टमर को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर्स के पास पहुंचे और डॉक्टर ने बेचना शुरू कर दिया। इसे बोलते हैं इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग, और ये एक मार्केटिंग चलती है, मार्केट में चली रही है। चौथी मार्केटिंग होती है फ्रेंचाइज मार्केटिंग। फ्रेंचाइज मार्केटिंग क्या होता है, फ्रेंचाइज मार्केटिंग की अगर बात करें तो इसको आप सभी लोग जानते हैं, हर एक कोई भी कंपनी किसी भी काम को जब शुरू करती है तो अकेले जब हम काम करते हैं तो एक लिमिट में काम करते हैं, तो जब लिमिट से आगे बढ़ना है, अनलिमिटेड वर्क करना है, तो हमें लोगों के समूह की जरूरत पड़ती है, हमें टीम बनाने की जरूरत पड़ती है, अपनी नेटवर्क को नेटवर्क फैलाने की जरूरत पड़ती है। नेटवर्क मतलब समूह, जाल, समझ रहे हैं, नेट माने जाल, तो ये जाल फैलाने की जरूरत है। तो वो जाल कैसे फैलाएंगे, उसके लिए वो करते क्या है ये समझते हैं। जैसे आप फ्रेंचाइज में जानते हैं मैकडोनाल्ड है, नाम सुना होगा, खाने पीने वाली चीजें जहां पे पिज्जा वगैरह लोग लेते हैं, KFC है, केंचुकी फ्राइड चिकन, सेवन अप, सनबीम, अब स्कूल भी फ्रेंचाइज दे रहे हैं, सनबीम है, DPS है, जयपुरिया है। तो चाहे खाने वाले लोग हों, चाहे एजुकेशन वाले लोग हों, चाहे कोई भी लोग हों, अपना वो फ्रेंचाइजीज दे रहे हैं। और फ्रेंचाइजीज देने के लिए कम एक चीज होना जरूरी होता है, उसे बोलते हैं ब्रांड, क्वालिटी। अगर आपके प्रोडक्ट्स में क्वालिटी नहीं होगी तो आप फ्रेंचाइजी आपकी कोई नहीं लेगा। अगर आपके सनबीम में लोग क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि क्वालिटी दे रहा है, तो उसके नाम पर लोग अपने बच्चों को दूसरे जगह पे भी भेज देंगे, क्योंकि उसने अपना एक मानक निर्धारित किया है कि हमारे यहाँ जो बच्चे आएंगे इस कैटेगरी में हम लोग पढ़ाते हैं, ये फैसिलिटीज़ हम लोग देते हैं। अगर आप मैकडोनाल्ड में जाते हैं तो उन्हें पता है कि मैकडोनाल्ड में जो हम भोजन बनाते हैं उसका जो टेस्ट है वो सेम टेस्ट रहेगा, वो यहाँ पर ही नहीं, आप दिल्ली में खाओगे वही टेस्ट मिलेगा, बनारस में खाओगे यही टेस्ट मिलेगा, दुबई में खाओगे यही टेस्ट मिलेगा, अमेरिका में खाओगे वही टेस्ट मिलेगा, मतलब सेम टेस्ट का प्रोडक्ट। ऐसा कैसे संभव है। तो वो जितनी भी बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वो अपने क्वालिटी पर ध्यान देते हैं, वो अपने यहाँ ट्रेनिंग देते हैं इस बात का कि आप सेम टेस्ट बनाओ। इसके लिए क्या जरूरी है, क्वालिटी एंड ट्रेनिंग। नहीं समझे मेरी बात। अगर फ्रेंचाइज को, अपनी फ्रेंचाइजी को आगे बढ़ाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ट्रेनिंग और क्वालिटी। अगर क्वालिटी नहीं होगा तो मेरे पास कस्टमर जो हैं वो भी चले जाएंगे, और अगर ट्रेनिंग नहीं होगा तो सेम क्वालिटी हम दे नहीं पाएंगे हर जगह, तो हमारा जो ब्रांड की वैल्यू है वो खराब हो जाएगी। कहीं मैकडोनाल्ड में खाएंगे, कहीं बड़ा शानदार टेस्ट है भैया, बहुत शानदार है, और दूसरे जगह मैकडोनाल्ड में गए तो खाने तो वहाँ बहुत बेकार चीज़ है, हमें तो बड़ा टेस्ट ही अच्छा नहीं लगा। तो क्या होगा कि वो जो कस्टमर का जो मेंटली प्रिपरेशन था वो अब मेंटली प्रिपेयर नहीं रहेगा मैकडोनाल्ड के लिए। तो क्या करेगा कि जो मैकडोनाल्ड फ्रेंचाइजी दे रहा है उसका कोई नहीं लेगा। अगर अभी अगर आपने दिल्ली में गए मैकडोनाल्ड देखे तो समझिए अरे यार चलते हैं मैकडी में चलते हैं और वहाँ खा लिए, और आपने देखा मन किया खाने का बनारस में भी तो मैकडी में चले गए, तो ये कस्टमर जो बनारस का है वो दिल्ली का भी कस्टमर बन गया, एक कस्टमर जो रांची का है वो भी बन गया आपका दिल्ली का कस्टमर, मतलब एक ही कस्टमर।
हर एक मैकडोनाल्ड का कस्टमर हो गया, क्योंकि वो जहां पहुंचेगा वहां मैकडी का इस्तेमाल करेगा, जहां पहुंचेगा डीपीएस का इस्तेमाल करेगा, अगर उस पे का लाभ वो ले चुका है उसके के बारे में वो जानता है। तो इसी तरीके से फ्रेंचाइज मार्केटिंग में क्वालिटी पर और ट्रेनिंग पर फोकस किया जाता है, और इस मॉड्यूल से आज बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजीज लोग चला रहे हैं और आज बड़ा सा पैसा कमा रहे हैं। जैसे मैकडोनाल्ड 700 फ्रेंचाइजी है मान लीजिए, तो 700 फ्रेंचाइजी में 5 फ्रेंचाइजी बंद भी हो गई तो उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 695 फ्रेंचाइजी चल रही हैं, और हर फ्रेंचाइजी वाला व्यक्ति अपनी फ्रेंचाइजी का प्रॉफिट कमाता है, लेकिन जो फ्रेंचाइजर है मतलब जो मैकडोनाल्ड का जो ओनर होगा वो हर फ्रेंचाइजी से पैसा कमाता है। और जैसे मान लीजिए बनारस का जो फ्रेंचाइजी वाला होगा वो क्या करेगा, वो बनारस के ही बिजनेस का प्रॉफिट कमाएगा ना, और जो दिल्ली वाला फ्रेंचाइजी लिया होगा वो दिल्ली के बिजनेस का प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन जो मैकडोनाल्ड का जो हेड होगा वो सभी के फ्रेंचाइजी से होने वाले बिजनेस का कमीशन या पार्ट या पैसा कमाता है। इसको बोलते हैं फ्रेंचाइजीज मार्केटिंग सिस्टम, जिससे कि आप बहुत आगे जा सकते हैं। आज इसी चीज की जरूरत है, इंडिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपनी फ्रेंचाइजी वर्ल्ड वाइड बांटे, लेकिन दुनिया के लोग मैकडोनाल्ड फॉरेन का, KFC फॉरेन का, तो ऐसे बहुत सारे फॉरेन के लोग पूरे दुनिया में अपनी फ्रेंचाइजी दे करके पैसे कमा रहे हैं। तो ये एक तरीका ये है। और जो अगला तरीका है उसको एक मार्केटिंग जो बहुत ही शानदार आज के दौर में मार्केटिंग सिस्टम है, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा ई कॉमर्स मार्केटिंग, इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग और फ्रेंचाइज मार्केटिंग, और एक और हम लोगों ने देखा जिसे हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग। इन सभी मार्केटिंग में एक कॉमन पर्सन इन्वॉल्व नहीं हो सकता। आप बताओ ये कॉमन पर्सन ई कॉमर्स मार्केटिंग खोल पाएगा क्या? नहीं खोल पाएगा। तो एक साधारण सामान्य व्यक्ति के लिए ये व्यवसाय भी नहीं है। इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग के लिए वही लोग कारगर होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, जिन्हें अंग्रेजी आती होगी, हिंदी आती होगी, जिनके पास समझ होगा, जिनके प्रोडक्ट्स के नॉलेज होंगे, जो पढ़ाई लिखाई किया होगा। मतलब एक सामान्य व्यक्ति ये भी नहीं कर सकता। मतलब सामान्य व्यक्ति न तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग कर सकता है, न तो ई कॉमर्स बिजनेस कर सकता है, न तो इंटेलेक्चुअल बिजनेस कर सकता है, न ही तो फ्रेंचाइजी बना सकता है, क्योंकि कोई बड़ा सेटअप उसके पास नहीं है। लेकिन एक शानदार सा प्लेटफॉर्म आप लोगों का इंतजार कर रहा है जिसे हम लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मार्केटिंग। मतलब क्या हुआ कि जितनी भी मार्केटिंग के तरीके रहे हैं वो सबको अगर मिला दिया जाए तो वो बन के होता है नेटवर्क मार्केटिंग। अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है? प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में प्रोडक्ट्स होता है, तो यहां भी प्रोडक्ट्स है। दूसरा, ई कॉमर्स में क्या फायदा होता है? तो आप कहेंगे ई कॉमर्स में ऑनलाइन हम सामान खरीद करते हैं और डिस्काउंट रेट में। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपका एक डॉक्यूमेंट आप सबमिट करते हैं जिससे आपको कोड मिलता है, वो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आप बटन दबा करके ऑर्डर कर सकते हो और उस पर डिस्काउंट भी प्राप्त कर सकते हो। समझ में आ गई? यानी ई कॉमर्स वाला भी फायदा नेटवर्क मार्केटिंग में मिलेगा। तीसरा है इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग। इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग का भी काम हम यहां कर सकते हैं। कैसे करते हैं इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग का? इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग के लिए हमारी यहां हर बुधवार को, जैसे आज हम लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं, हर रविवार को हम लोग मीटिंग करते हैं, और हर जो आपका नियरेस्ट डियरेस्ट जो आपका जो व्यक्ति इस बात को बता रहा है वो भी काफी कुछ सीखा और जानता हुआ है, जाना हुआ है, वो क्या करेगा? वो भी आपको सिखाएगा, यानी ट्रेनिंग देगा। इंटेलेक्चुअल आपको बौद्धिक विकास करेगा जिससे आप मार्केटिंग कर सके। तो डिग्री की यहाँ जरूरत नहीं है जरूर, लेकिन नॉलेज की जरूरत है। इसलिए तीसरी मार्केटिंग जो इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग में वो भी यहाँ पे काम आता है। क्योंकि देखो भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि बिना आप लोगों को समझाए अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल आउट करेंगे। यहाँ भी आपको कस्टमर को ही ध्यान में रखते हुए ऐसे यूजर्स क्रिएट करने हैं जो नए यूजर्स क्रिएट करें। मतलब जैसे वो डॉक्टर को समझाते हैं वैसे हम लोग कस्टमर को समझाते हैं, और कस्टमर को समझा करके रेगुलर हम कस्टमर बनाए रखते हैं। रेगुलर बनाने से क्या होता है कि एक बार अगर वो समझ गया तो वो लगातार हमारा कस्टमर होगा। जैसे एक बार MR डॉक्टर को समझा लिया तो वो डॉक्टर हमेशा वो दवा लिखेगा, तो वो उस MR का मेहनत कम हो जाता है,
उसी तरीके से यहां पर भी जो आप मार्केटिंग करते हो, यहां भी एक कस्टमर को अगर अच्छे से आपने 1 महीना 2 महीना 3 महीना विजिट करके समझा दिया, बता दिया, सिखा दिया, तो लाइफ टाइम के लिए वो आपका कस्टमर हो गया। वहां से जो आने वाला रेवेन्यू है वो आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो यहाँ इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग भी सिस्टम इसमें इनबिल्ट है। चौथा मैंने बताया फ्रेंचाइज मार्केटिंग, खूबसूरत बात, खूबसूरत। आप बड़ा काम नहीं कर सकते, लेकिन इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद आपको ये एक अवसर मिलता है, आप भी अपनी फ्रेंचाइजी दे सकते हो, अपनी डिस्ट्रीब्यूशन टीम बना सकते हो। आप जितने लोगों को अपने टीम में शामिल करोगे वो सब आप ही का फ्रेंचाइजी है, मतलब उसके द्वारा किए गए बिक्री से आपको प्रॉफिट होता है, क्योंकि आपको ये पावर है जो पावर मैकडोनाल्ड को है, जो पावर सनबीम स्कूल को है, जो पावर डीपीएस को है, वो पावर आपको भी मिलता है। वो पावर केवल एक व्यक्ति को नहीं है, कंपनी को नहीं है कि केवल कंपनी सबको ज्वाइन कराएगी या कंपनी ही सबको फ्रेंचाइजी देगी, ऐसा नहीं है। ये है कि आप हैं तो आप ही कंपनी हो, आप जितने लोगों को चाहो उतने लोगों को फ्रेंचाइजी दे सकते हो। तो इस तरीके से आप फ्रेंचाइजी लोगों को दे करके भी पैसे कमाते हैं, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। अब इसमें आपको मैंने पहले बताया था कि फ्रेंचाइज मार्केटिंग में आप चीज आपने एक चीज देखा, क्या देखा, कि आपको ब्रांड मतलब क्वालिटी देनी होगी। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट की क्वालिटी है 100% है, आप टेस्ट करके देख सकते हो। और दूसरा आपको ट्रेनिंग देना होगा। ट्रेनिंग किस लिए? क्योंकि सेम टेस्ट मिलना चाहिए। जैसे मैकडोनाल्ड में यहाँ खाएं तो सेम टेस्ट, वहाँ खाएं तो सेम टेस्ट, ये कैसे होगा? ट्रेनिंग से। क्योंकि वो जो सेफ होता है उस सेफ को हेड ऑफिस पे ला करके बनाते हैं, और जो हेड ऑफिस पे वो बनाता रहेगा, एक बार बनाया लोग टेस्ट किए, नहीं टेस्ट अभी वो नहीं आया, दोबारा बनाएगा टेस्ट करा, मतलब उसको सिखाएंगे, प्रैक्टिकल कराएंगे, सिखाएंगे मतलब इतना देर तक गरम करना है, इतना प्रोडक्ट ये क्वालिटी का प्रोडक्ट्स डालना है, इतनी मात्रा में डालना है, वो सब कुछ सिखाया जाता है। और जब वो सारा रेसिपी वो सीख लेता है तो वो काम करने लगता है, जब काम करता है, जब परफेक्ट हो जाता है, तब उसे फ्रेंचाइजी को भेजते हैं कि अब तुम जा सकते हो। उसी तरीके से आपको यहाँ ट्रेनिंग देना है, और जब सिखा लेंगे, बिजनेस प्लान दिखाना, प्रोडक्ट्स डिस्कशन करना है, क्वेश्चन हैंडलिंग करना, जब ये सिखा दिए तो आप फ्री हो गए, तब वो व्यक्ति खुद ब खुद अपनी टीम जनरेट कर लेता है। तो यहाँ फ्रेंचाइजीज दे करके आप बड़ा शानदार इनकम कर सकते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग सभी मार्केटिंग का के जो गुण हैं वो सभी गुणों को लेकर के ये है, इसलिए ये शानदार व्यवसाय है। आइए समझते हैं वैसे नेटवर्क मार्केटिंग को क्या बोला जाता है। क्यों मैं ये बात बोल रहा हूँ? मैंने इसलिए ये बात बोला कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो आप कहेंगे नेटवर्क मार्केटिंग को ये जो बोला गया है, ये बोला है मिस्टर जॉन सिस्टिना ने। जॉन सिस्टिना वो व्यक्ति हैं जो फाइनेंशियल जो प्रोग्रामर होते हैं, वो फाइनेंशियल प्रोग्रामर हैं, रिनाउंड है पर्सन। आप उनका गूगल पे नाम लिखोगे तो पता चलेगा कि वो अमेरिका के बहुत बड़े फाइनेंशियल प्रोग्रामर हैं। वो ये बताते हैं आप अपने पैसे को कहाँ निवेश करो, किस में लगाओगे तो कितना बड़ा पैसा आएगा। उस व्यक्ति से जब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा इट इज़ द मोस्ट एक्सेसिबल वे फॉर एन ऑर्डिनरी पर्सन टू बिल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ। क्या बताया? कि यह एक ऐसा तरीका है जिसमें एक साधारण व्यक्ति असाधारण पैसे बना सकता है। ध्यान देने वाली बात है, इसमें ये एक ऐसा ऑप्शन है मोस्ट एक्सेसिबल, एक ऐसा रास्ता है जिससे कि कोई भी एक साधारण व्यक्ति असाधारण आमदनी कमा सकता है, बना सकता है। और जॉन सिस्टिना पिछले 25 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात है कि ऐसे लोग जो करोड़ों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग, अरबों खरबों की संपत्ति वाले लोग भी अगर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो सोचने वाली बात है आखिर क्यों कर रहे हैं। तो क्यों कर रहे हैं आइए समझते हैं, व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नोबल बिजनेस। आखिरकार नेटवर्क मार्केटिंग क्यों एक आदर्श बिजनेस है, क्यों आदर्श बिजनेस है, सोच के देखो। तो जो मेन रीजन है साहब वो ये है, नो टाइम बाउंड, यहां किसी भी प्रकार का कोई समय का बंधन नहीं है। इसको आप अपने काम को करते हुए कर सकते हैं बिना किसी बंधन के, बिना किसी टाइम बाउंड के। मतलब अगर आप चाहें तो सुबह के समय कर सकते हैं, आप चाहें तो शाम के समय कर सकते हैं, आप चाहें तो दोपहर में कर सकते हैं, आप चाहें तो दिन भर कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कब कहाँ कैसे क्या करना है। तो कोई समय का बंधन नहीं है। समय तो चाहिए, ध्यान रखिएगा, समय चाहिए, लेकिन समय का बंधन नहीं है। मतलब जैसे अगर आप नौकरी करते हो
तो नौकरी आप करते हैं तो क्या होता है कि आपको 10 से 4, 10 से 6, 8 से 2 एक टाइम पीरियड देना होता है। लेकिन यहां आपको टाइम पीरियड नहीं देना है, यहां आपको टाइम देना है, फिक्स टाइम नहीं देना है। तो ये हर कोई कर सकता है कि नहीं, आप बताओ? हर कोई, अगर वो मजदूर होगा तो भी कर सकता है, किसान होगा वो भी कर सकता है, हाउस वाइफ्स हैं वो भी कर सकती हैं, नौकरी वाले हैं वो भी कर सकते हैं, किसान हैं वो भी कर सकते हैं, फोर्स वाले हैं वो भी कर सकते हैं, मतलब जितने भी लोग हैं वो सभी लोग इस काम को कर सकते हैं। रीजन क्या है? क्योंकि टाइम का बंधन नहीं है। दूसरा रीजन क्या है? नो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट। बात समझिए, नो इन्वेस्टमेंट या लो इन्वेस्टमेंट, यहां कोई पूंजी नहीं लगती। ये व्यवसाय कस्टमर बेस्ड बिजनेस है। क्या है? कस्टमर बेस्ड बिजनेस। कस्टमर बेस्ड मतलब हम पहले से, बचपन से कस्टमर हैं, हम जब से पैदा हुए तब से कस्टमर हैं। आज कोई भी बच्चा पैदा होता है तब से वो हगीज से शुरू हो गया और जब तक मरेगा नहीं, कफन तक, वो कस्टमर ही है। और उस कस्टमर से होने के कारण वो खर्चे करता है। कस्टमर होने के कारण वो क्या करता है? पैसे को खर्च करता है। और जब कस्टमर पैसे को खर्च करता है तो उसके खर्चे से कोई ना कोई लोग पैसे कमाते हैं। मतलब कस्टमर खर्च करता है, उससे कुछ लोग पैसे कमाते हैं, जिसे हम बोलते हैं व्यापारी। सोच के देखिए, यहां भी वही बात है। यहां इन्वेस्टमेंट नहीं करना, यहां आपको केवल खर्चे करने हैं। जो खर्चे आप दुकानों पे, अलग अलग जगहों पे करते थे, वो खर्चे आप यहां करेंगे तो उस खर्चे से ही बिजनेस पैदा हो जाता है। मतलब एक्सपेंस बेस्ड बिजनेस, नॉट इन्वेस्टमेंट बेस्ड बिजनेस। हर घर का 5-7 हजार का खर्चा है कि नहीं? जितना लोग कमाते हैं सब खर्चे ही हो जाता है भाई। तो अगर जितना हम कमाते हैं उसी कमाई से अगर हम यहाँ खर्च करते हैं तो हमारा बिजनेस चालू हो जाता है। इसलिए बिना इन्वेस्टमेंट के है। तो आप सोचो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो नौकरी वाला हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो हाउस वाइफ्स हो, कोई भी लोग कस्टमर हैं। और अगर कोई भी लोग कस्टमर हैं तो कोई भी लोग इसे कर सकते हैं। क्लियर? तो सबके लायक है ये। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग एक नोबल बिजनेस है? इट्स अ पोर्टेबल। मजेदार बात देखो, आज आप ससुराल में हो तो ससुराल में बिजनेस करो, कल आप एक महीना के लिए मायके गए वहां पे भी काम कर सकते हो। एक लड़की है अभी शादी नहीं हुई है, वो यहाँ पे बिजनेस कर सकती है, शादी के बाद वो अपने घर से बिजनेस कर सकती है। एक लड़का है पढ़ाई कर रहा है, वो स्कूल के साथ साथ बिजनेस कर सकता है। वो नौकरी करने चला गया दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, वहाँ से भी वो कर सकता है। मतलब इट्स ए पोर्टेबल, आप जहाँ भी हो वहाँ से शुरू हो सकता है। सोचो, ये ऐसा बिजनेस है, कोई स्टॉक नहीं, जुबान खुली दुकान खुली, इतना शानदार व्यापार है। मतलब बोली तो आप जहाँ भी रहोगे बोलोगे, और ये बोली खुल गई तो सोचो दुकान खुल गई। अच्छे से बोलो, अच्छे से बात करो, अच्छे से समझाओ, बिजनेस चल पड़ेगा, इतना शानदार बिजनेस है। चौथा रीजन है वर्ल्ड वाइड। आप यहीं तक नहीं, वर्ल्ड वाइड फैला सकते हो। कहाँ? वर्ल्ड वाइड फैला सकते हो। बात सोचो, आप चाहे यहाँ हो, आपका मित्र कोई रहता है मान लो बांग्लादेश में, वहाँ भी फैला सकते हो। कोई मित्र रहता है रांची, मतलब राजस्थान में, यानी देश में या देश के बाहर, आप कहीं भी, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर, कहीं भी कर सकते हो। क्योंकि ये तो अब दुनिया, जब से इंटरनेट आया दुनिया एक हो गई। सोच के देखो, बटन दबाओ हर जगह पहुंचो, है कि नहीं? तो वर्ल्ड वाइड अपनी व्यापार कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा व्यवसाय ऑनलाइन है, हमारा व्यवसाय एक जगह सीमित दायरे में नहीं है, हमारा दुकान में नहीं है कि हम दुकान में है तो वहीं तक सीमित रहेंगे। हमारा व्यवसाय कंप्यूटर में है, हमारा व्यवसाय इंटरनेट में है। तो सोचो, अगर इंटरनेट है तो दुनिया है, कंप्यूटर है तो दुनिया है। तो सोचो, आपका व्यवसाय चूंकि कंप्यूटर में है इसलिए दुनिया भर में है। आप जितना ज़्यादा फैलाना चाहें फैला सकते हैं, माय डियर फ्रेंड्स। पांचवा चीज़ है नो स्टाफ। अरे भाई, सोच के देखो, यहाँ कोई स्टाफ नहीं रखना है, यानी आपका कोई एक्सपेंस नहीं जाएगा, लेस एक्सपेंस, ऐसे समझे, बिना खर्चे का व्यापार। कैसे? गोडाउन भी नहीं रखना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी नहीं देना है, ऑफिस का एक्सपेंस भी नहीं देना है, स्टाफ का खर्चा भी नहीं देना है। अब आप क्या चाहते हो भाई? मतलब एक ऐसा व्यापार जो हर कोई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पूंजी नहीं लगी, खर्चे नहीं लगे, ओवरहेड नहीं है, कोई एक्स्ट्रा ओवरहेड ही नहीं है। केवल आप अगर कहीं आते जाते हो तो आपका पहले भी आते जाते हो पेट्रोल खर्चा लगता है, वहीं लगेगा। मतलब एक सीमित खर्चे में आप अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं।
मजेदार बात, किसी भी व्यापार में उधार का लोचा चलता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में कैश का ट्रांजेक्शन है। आप कंपनी में पैसा देते हैं कैश, तब माल आपको आता है। आप भी किसी को प्रोडक्ट देंगे तो कैश देंगे। इन केस आपका बड़ा क्लोज है जहां तक, वहां आप उधार देते हैं तो आपको पता है पैसा मिल जाएगा। दूसरा, ये एक लिमिट में होता है, आपके जानने पहचानने वाले 10 20 25 50 लोग होंगे जहां पे आप लेन देन करते हो। लेकिन हम पूछ रहे हैं, आपने अपनी जो टीमें बनाई, वो टीम जिसको प्रोडक्ट दे रही है, उसमें तो आपका कोई लोचा नहीं हुआ ना, वहां तो कोई उधार नहीं गया ना। क्यों? क्योंकि उसको तो आप जानते ही नहीं है, तो उधार कहां से जाएगा? वो तो आपसे प्रोडक्ट भी नहीं लेगा, तो उधार कहां जाएगा? जबकि वो प्रोडक्ट खरीदा है तो आप ही के बिजनेस में जुड़ा, आपके बिजनेस में जुड़ता जा रहा है, लेकिन आपका ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है आपका कोई भी। और जबकि दूसरे व्यापार में देखेंगे तो अगर उसका इनकम बढ़ रहा है तो उसका उधार बढ़ रहा है, उसका स्टॉक बढ़ रहा है। किसी भी व्यापार में या तो स्टॉक बढ़ता है या उधार बढ़ता है, कैश इन हैंड नहीं होते। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में, इस व्यवसाय में, आप जितना भी कमाते हैं अधिकतर हिस्सा आपके कैश इन हैंड रहता है। कैश इन हैंड मतलब अगर 5 लाख कमा लिए तो क्या खर्चा करेंगे? 1 लाख का खर्चा किए मान लो, तो 4 लाख तो कैश इन हैंड है। उस 4 लाख का आप जैसे चाहो ऐसे इंजॉय करो। जबकि अगर व्यापार में 5 लाख आप कमाते हैं तो 5 लाख का आप सामान ले आकर के फिर गांज लेते, क्योंकि वो लगता है ना कि अभी सामान सस्ता हुआ है, खरीद लें प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए। वो हमेशा या तो उधार माल बेचेगा ज्यादा ताकि हमारा बिक्री ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा, और या तो ज्यादा माल खरीदेगा कि हमें सस्ता मिल रहा है इसलिए ज्यादा खरीद लें। तो वो सस्ता के चक्कर में माल ज्यादा खरीदेगा, ज्यादा माल बेचने के चक्कर में उधार माल बेचेगा, इसी बीच में उसका कैश झूलता रहता है, उसके पास कैश ही नहीं रहता, हमेशा रोता रहता है। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में कैश की प्रॉब्लम नहीं रहती। अगला जो रीजन है वो है नो लाइसेंस रिक्वायर। आप सोच के देखो, कोई आप लोग यहां पे बिजनेस कर सकते हो, कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं है, कोई भी आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। और अगला कारण है ट्रांसफर टू द नेक्स्ट जनरेशन लीगेसी, शानदार प्लेटफॉर्म। आप सोचो, आप कोई भी व्यवसाय कर रहे हो, ये इसको मैं व्यवसाय क्यों बोलता हूँ? कुछ लोग बोलते हैं ना ये बिजनेस नहीं है, मैं कहता हूँ ये बिजनेस ही है। क्यों है? इसलिए है ना कि आप किसी भी बिजनेस को अपने जिंदगी के जाने के बाद, अपना जीवन छोड़ने के बाद, आपका व्यापार आपके आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफर हो जाता है। अगर आपकी दुकान है, हमारी दुकान है, अगर हम नहीं रहे तो हमारी आने वाली पीढ़ी उस दुकान को संभालती है और उसका पूरा प्रॉफिटेबिलिटी वो लेती है। लेकिन अगर हम नौकरी करते होते, हम मान लो सीए हैं, और सीए हैं अगर हम एक्सपायर कर गए, तो क्या हमारा लड़का सीए बन जाएगा? नहीं बनेगा भाई। हम डॉक्टर हैं, अगर हमारा डॉक्टर, हम डॉक्टर हैं लेकिन लड़का डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा कुछ नहीं पता। लेकिन अगर हम व्यापारी हैं तो हम अगर चले भी गए तो हमारी पूरी जनरेशन को उसका लाभ मिलेगा। इसीलिए मैं इसे बोलता हूँ बिजनेस, क्योंकि ये जो व्यवसाय है नेटवर्क मार्केटिंग भी आपके नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होती है। और जब नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर होती है तो आपके किए गए पूरे मेहनत का फायदा आपकी अगली पीढ़ी लेती है। जबकि आप दूसरे प्रोफेशन में कहीं ऐसा नहीं है कि आपके काम का फल आपका आने वाली पीढ़ी उठाए। आप नौकरी करते हो, लड़के को नौकरी नहीं मिली तो कोई फायदा नहीं, वो उसकी जिंदगी, अपनी जिंदगी अपने से जीना शुरू करेगा, उसका लाइफ अपना होगा। जबकि आपके द्वारा दिया गया बिजनेस है, तो अगर आप 2 लाख रुपया महीना कमाते हो, आपके जाने के बाद भी 2 लाख रुपया आता रहेगा, क्योंकि आपकी टीम से वो पैसे आते हैं। और आपके न रहने पर भी टीम रहेगी, क्योंकि एक साथ टीमें कोलैप्स नहीं होगी, क्योंकि एक साथ सभी लोग ईश्वर के पास नहीं जाएंगे, तो ये बिजनेस चलता रहेगा। इसलिए ये बिजनेस भविष्य का बिजनेस है। इसलिए आइए देखते हैं, ये अगला कारण है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब समझते हैं आप सभी लोग, पैसिव इनकम एक वो इनकम कहलाती है जिसमें अपने ही नहीं दूसरों के द्वारा किए गए काम से जो आमदनी आती है उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। दूसरों के द्वारा किए गए काम से जो आमदनी आती है उसे बोलते हैं पैसिव इनकम। सोच के देखो, जब आपके पास पैसिव इनकम आएगा यानी दूसरों के द्वारा किए गए काम से आमदनी, तो आपके पास आपका टाइम बच जाएगा, क्योंकि अभी तक जो आप इनकम करते हो उसके लिए आपको टाइम देना पड़ता है। आप नौकरी करते हो तो टाइम देते हो, आप ट्यूशन पढ़ाते हो तो टाइम देते हो, आप खेती करते हो तो टाइम देते हो, आप दुनिया का कोई भी काम करते हैं तो टाइम देते हैं, तब जाकर के आपको पैसे आते हैं। और टाइम देना बंद तो पैसे बंद। जबकि पैसिव इनकम में क्या होता है, आप एक बार टाइम देते हो जब तक कि वो कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए। क्या? एक बार तब तक टाइम देना है जब तक कि कंप्लीट प्रोसेस ना हो जाए, जब तक कि पाइपलाइन पूरी बिछ ना जाए तब तक पानी नहीं आता। तो वैसे ही पूरी टाइम पूरा आपको तब तक समय देना है जब तक कि पूरा सेटअप ना हो जाए, और जब सेटअप हो गया
तो अब आप फ्री हो गए, तो आपका टाइम बच गया और पैसे भी आने लगे, क्योंकि इनकम तो होगी क्योंकि लोगों के द्वारा काम से भी इनकम आ रही है, तो आपके पास टाइम भी बच गया, पैसा भी आ गया, तो अब आप उसका एंजॉय करेंगे। यानी आपको पैसिव इनकम होने के कारण टाइम फ्रीडम भी मिलती है। और दूसरे किसी भी व्यापार में टाइम फ्रीडम नहीं है। किसी भी व्यापारी के साथ आप कहिए कि चलो एक महीने के लिए हम लोग दुबई चलते हैं, कहेगा नहीं नहीं मेरा तो पूरा कोलैप्स हो जाएगा। किसी डॉक्टर जो बड़ा अच्छा डॉक्टर हो उससे कहो चलो यार चलते हैं दुनिया भ्रमण पे, 45 दिन का टूर है, 45 डेज का टूर है, 34 देश हम लोग घूमेंगे, या 34 देश घूमेंगे, 45 दिन का टूर है, 50 दिन का टूर है, 2 महीने का टूर है, 1 महीने का टूर है, भाई वो टाइम नहीं देगा, क्योंकि कहेगा मेरा सारे मेरे जितने भी कस्टमर है ना सब चले जाएंगे, मैं भिखमंगा हो जाऊंगा। तो टाइम की प्रॉब्लम होती है, जबकि इसमें टाइम फ्रीडम मिलेगा और रिकॉग्निशन भी जबरदस्त मिलेगा। मतलब पैसे का भी मिला, समय भी मिला, रिकॉग्निशन। क्यों? क्योंकि आपको जानने वाले अनेक लोग हो जाते हैं, तो जानने वाले लोगों की संख्या बढ़ती है। और ऐसे लोग जो लोगों को आपके माध्यम से, आपके दिए गए निर्देशों से, आपके दिए गए मेंटरिंग से, आपके दिए गए दिशा निर्देशन से उसको पैसे आते हैं, तो वो आपका सम्मान भी करता है, दिल से करता है, तो आपको रिकॉग्निशन भी मिलता है जबरदस्त, जो दूसरे कहीं भी नहीं मिलता। और अगला चीज है अर्ली रिटायरमेंट। रिटायरमेंट का मतलब क्या? रिटायरमेंट में क्या होता है? रिटायरमेंट में पहले समय में, अब तो नहीं, पहले समय में रिटायरमेंट में सरकार कहती थी कि अब आपका मैंने उपयोग कर लिया, अब आप मेरे काम के लायक नहीं हो, आप घर जाओ, आपके किए गए पिछले समय के कार्यकालों के कारण से मैं कुछ आपको आमदनी देता रहूंगा जिससे कि आपका जीवन चलता रहेगा, इसको बोलते हैं रिटायरमेंट। जैसे पेंशन मिलता है ना रिटायरमेंट पे, तो पेंशन मिलना मतलब रिटायरमेंट का फायदा होना, यानी वो काम भी नहीं कर रहे फिर भी पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है? अर्ली रिटायरमेंट। अर्ली रिटायरमेंट मतलब 5 साल 7 साल 10 साल आपने मेहनत कर दिया, और 5 साल से 10 साल तक मेहनत करके आप 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए महीने कमाने लगे, फिर आप फ्रीडम की ओर हो, अर्ली रिटायरमेंट ले लिए, आपके पैसे आ रहे हैं, आप अपने जीवन को अपने हिसाब से जीते हैं। दिस इज द व्हाई। यही कारण है मेरे भाई, माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज अ नोबल बिजनेस। क्यों? क्योंकि इसे सब कोई कर सकता है, इसमें किसी के लिए न तो जाति की चक्कर है, न तो एज का बाउंडेशन है, न तो मतलब आप आरक्षण का कोई लोचा है, न तो पैसे का लोचा है, न तो उम्र का चक्कर है, न एजुकेशन का चक्कर है, इसे हर कोई कर सकता है। यही कारण है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग एक नोबल बिजनेस है। इसलिए मैं ये कहता हूँ, सो बिल्ड इट बिफोर नीड। इसलिए जब इसकी ज़रूरत ना पड़े उससे पहले इसे डेवलप कर लो, उसे निर्माण कर लो। अगर आप इसका निर्माण कर लिए इसके ज़रूरत से पहले, क्योंकि ज़रूरत तो आने वाली है, आप सभी जानते हैं महंगाई किस कदर बढ़ रही है, हम उसे रोक नहीं सकते क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, इसे हम रोक नहीं सकते। तो हम अपनी आमदनी को बढ़ाएं। हम अगर अपनी आमदनी को अभी देखें, कोविड के दरमियान बहुतों की आमदनी हाफ हो गई। अभी मेरे कई मित्र ऐसे हैं जो बैंकिंग सेक्टर में हैं, उनकी भी सैलरी कट कर दी गई है, प्राइवेट बैंकिंग में कट कर दी गई है, वे लोग डिस्टर्ब हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या होना चाहिए? और काम भी बढ़ गया है, तो ऐसे कंडीशन में हम यही कहेंगे कि साथ में पार्ट टाइम में आप, हम सभी लोग छोटा छोटा टाइम दे करके इसे बिल्ड किया जाए, इसे निर्माण किया जाए। और बिल्ड करने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा संघर्ष लगेगा, चीज़ों को सीखना होगा, तो आइए मिल करके हम लोग इसे करते हैं। सो बिल्ड इट बिफोर नीड। माय डियर फ्रेंड्स, आज के मीटिंग सेशन को में हमारा टॉपिक्स यही था।